हेलो फ्रेंड, मैं रेखा दिल्ली से मेरा यूट्यूब चैनल वाटिकस गार्डन में स्वागत करती हूँ आपका। फ्रेंड देखो, कटिंग लगाने के लिए मैंने किसने कबाड़ को मैं यूज कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हम कुछ कटिंग लगाएं और उसके लिए हम नए नए कुछ खरीद के लेके आए। मैंने ये देखो सब बेकार का ही पड़ा हुआ था। जैसे कि हमारे कोई पौधे ख़राब हो जाते हैं या कोई कटिंग हमारी लगी नहीं या कोई पौधा सूख गया है, तो उन्हीं को ही ये मैंने इकट्ठा कर रखा था। तो फ्रेंड मैंने सभी में हॉल बना के लेके आई थी गैस पे पेचकस को गर्म करके। तो मैं इस सभी में पौधे लगाऊंगी। मैं 12+ पौधे होंगे जिनकी कटिंग मैंने ली थी। और ये ऐसे पौधे हैं फ्रेंड जिनकी मार्च में भी कटिंग लग जाती है। और इस मिट्टी में मैंने बस फंगिसाइड मिलाया है और मैंने इसमें और कुछ नहीं मिलाया। ये मिट्टी मेरी वही है जो मैंने घर पे ही बनाई थी, जो किचन वेस्ट और गार्डन के कचरे से। और इसमें बस मैंने फंगिसाइड मिला के तो मैं इसी में लगाऊंगी। ये देखो सब मेरे ऐसे ही थे। और इस कबाड़ को मेरा कबाड़ भी यूज हो जाएगा और मेरे पौधे भी लग जाएंगे। तो हमें कोई भी चीज़ ऐसे गार्डन में लगाएं तो बेकार चीज़ को ही पहले यूज करना चाहिए। जब हमारे ये पौधे कटिंग बड़ी हो जाएगी, जब हम इसको रिपोर्ट करेंगे, तब हम अच्छे गमले में इसको लगा के रख सकते हैं। इसमें तुलसी जी लगी हुई थी जो इस ग्लास में, जो कि सूख गई है। ये बहुत बड़ा लग रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने इसमें नहीं भरा। इसमें ऐसे पौधे लगाऊंगी फ्रेंड जो कि परमानेंट हैं और हमेशा अपने गार्डन में बने रहते हैं, तो उन्हीं पौधों की मैं कटिंग लेके आई हूँ। ये कटिंग फ्रेंड 1 घंटे पहले मैंने काटी थी, क्योंकि मेरे बेटे को अकेडमी जाना था तो मैं उनकी तैयारी करने के लिए लग गई दोपहर के टाइम में 3 बजे के आसपास। तो ये कटिंग मेरी थोड़ी लेट हो गई लगने में, तो थोड़ी मुरझा रही है और मैंने इसको पानी में नहीं डाला था इसलिए ऐसी हो गई है। और ये देखो ड्रेसिना है जो मैंने कटिंग से ही लिया है फ्रेंड। एलोवेरा जेल मेरा थोड़ा दूर रखा रह गया तो मैं उसको लेके आ रही हूँ। और इसमें डिप करके लगाते हैं फ्रेंड की एलोवेरा में, तो बहुत अच्छे से कटिंग लग जाती है, कटिंग ख़राब नहीं होती है। और इसमें आपके पास अगर एलोवेरा जेल नहीं है तो आप इसको फंगिसाइड साफ वाले में भी लगा सकते हैं, हल्दी पाउडर में भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड मैं तो एलोवेरा जेल ही लेती हूँ क्योंकि ये हमेशा हमारे गार्डन में रहता है। ये डिफिन वेचिया की कटिंग लेके आई हूँ। और ये देखो ऐसे पौधे हैं जो हमेशा हमारे गार्डन में हरियाली भरे रहते हैं और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये कटिंग अगर आपको कहीं से मिलती है तो आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। ये सिंगोनियम की है। मैं इसलिए अब नर्सरी नहीं जाती हूँ, मैं अपने गार्डन से ही कटिंग लगाती रहती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो अपने नर्सरी जाएंगे तो हम बहुत अच्छे अच्छे पौधे खरीद के ला सकते हैं। ये भी एक ड्रेसिना की वैरायटी है, ग्रीन वाली। इसके जो मदर प्लांट है फ्रेंड बहुत बड़ा हो गया, तो उसी में से ना इसका बेबी प्लांट था जड़ में, तो मैं उसी से लेके आई हूँ इसे। तो ये मैंने इसमें लगा दिया। और ये उस गुड़हल का है। और जब कटिंग लगाएं तो उसको तो हल्का, जैसे लगाते टाइम हल्का दबा दें जिससे वो थोड़ा टाइट मिट्टी हो जाए और हिले नहीं। और ये है फाइकस की। फाइकस की भी बहुत अच्छे से कटिंग हो जाती है, पर फ्रेंड जब हम उस पर सैंड में लगाते हैं तो और भी अच्छी ग्रो होती है। मैं सैंड की वीडियो भी आपको दिखाऊंगी जब मैं सैंड में लगाऊंगी। जो मैंने लगाई थी वो मैंने रिपोर्ट कर दी, ये तो मैंने मिट्टी में ही लगा दिया है। नहीं, सैंड में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। और ये है स्वीट पोटैटो वाइन। मेरे पास चारों कलर की स्वीट पोटैटो वाइन है, ये मैंने इसमें लगा दिया। तो आप अभी भी आप कटिंग लगा सकते हैं क्योंकि अभी बहुत अच्छा मौसम है, रुक रुक के बारिश हो रही है। नहीं तो मार्च में तो गर्मी होने शुरू हो जाती है। तो आप इसकी कटिंग मिले तो आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें, नए पौधे बनाएं। ये है अजवाइन की कटिंग। और इस तरह से इसको लगा दें। ये इसमें मैंने 2 कटिंग लगाई है। मैंने सभी में मिट्टी भर ली, तो इस तरह से मैं
ये बहुत छोटे छोटे जो कंटेनर है बहुत छोटे छोटे से है फ्रेंड, इसका मुझे नाम नहीं पता। ये कटिंग मुझे कहीं से पड़ी हुई मिली थी तो उसको मैंने लगा दिया, तो बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। तो मैंने इसको लगा दी तो इस पर पीले कलर के फूल आते हैं, जहाँ पे ये हैंग हो रही थी वहाँ पे मैंने देखा था, तो पीले कलर के इस पर फूल आते हैं। तो मैंने इसकी चार कटिंग उसमें से जो लगाई थी उसी में से मैंने कट किया है। और फ्रेंड हम ये भी है कि हम जैसे छोटे छोटे कंटेनर में लगाते हैं, हम बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं। हम बड़े में किसी में लगाएंगे तो हमारे पास जगह की कमी हो जाती है और हम उसकी इतनी देखभाल नहीं कर पाते, उठा के इधर से उधर नहीं रख पाते। तो मेरे को ज़्यादा का छोटे कंटेनर में लगाना पसंद है। और ये फिर फ्रेंड मैंने सारी कटिंग लगा के अभी आपको दिखाती हूँ। ये मैंने सारी कटिंग लगा दी है, तो इसको लगाने के बाद फ्रेंड छाया वाली जगह में ही रखें। छाया में लगाने से ये होता है कि हमारी मिट्टी जल्दी नहीं सूखेगी और हमारी जो कटिंग है ख़राब नहीं होगी। इसको मैंने ग्रीन नेट के नीचे ही रख दूँगी, मैंने ग्रीन नेट लगा रखा है तो उसी के नीचे लगा दूँ रख दूँगी इसे। और फ्रेंड जब पानी दें तो बहुत आराम से इसको पानी दें और इसको बार बार इधर से इधर उठा के ना रखें। बस यही होता है, हम कभी कटिंग लगाएं हम बार बार हिला के ना देखें, उठा के इधर उधर ना रखें। जहाँ पर हमने एक बार ही रख दी 20-25 दिन तक वहीं रखे रहने देना। अगर धूप आती है तो थोड़ी उसकी छाया कर दें, कुछ उसके साइड में कुछ रख दें गमले वगैरह जिससे उसकी छाया हो जाए। तो फ्रेंड मैं तो इसी तरह से कटिंग लगा के गार्डन में बहुत सारे मैंने पौधे तैयार करे हैं। अगर आपको ऐसे कटिंग कहीं से मिलती है तो ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें, ढेर सारे पौधे इसी तरह से बना लें। और ये देखो मैंने अभी आपको दिखाओगे कि मेरे इतने सारे पौधे हो गए हैं फ्रेंड मेरे पास, बिना नर्सरी जाए मैंने ढेर सारे पौधे तैयार कर लिए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, चैनल पर पहली बार है तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने तो फ्रेंड इसी तरह से अपने गार्डन में ढेर सारे पौधे तैयार कर लिए हैं।